एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मौत। बस ऐसे ही रोड एक्सीडेंट और रोड रेस की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आज हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से थैंक यू जिसने हमारी हैवी बस ड्राइवर वाली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे ताकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोज लाते रहे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो केम छो दोस्तों, सबसे पहले तो प्रतीक सिंह की चैनल पर शेयर की गई इस वीडियो को देखिए जिसमें टाटा पंच के साथ हुआ एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट दिखाया गया है। टाटा पंच के साथ हुआ यह एक्सीडेंट रिसेंटली बिहार के गोपालगंज में हुआ था, जिसमें एक टाटा पंच जब रोड पर जा रही थी तभी गाड़ी का ड्राइवर स्टेयरिंग पर से कंट्रोल खो देता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के रोड के साइड में पड़े ईंटों के ढेर से टकराते हुए आगे जा करके रुकती है। दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईंटें कितनी मजबूत होती है और ऊपर से एक साथ इतनी सारी ईंटें किसी ट्रक को भी डैमेज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इतने हैवी इंपैक्ट के बावजूद भी कोल्यूजन ए पिलर तक भी नहीं पहुंचा और यह है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग की पहचान। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे किसी को भी चोट नहीं आई और सभी लोग सही सलामत बच गए। अगर यहाँ पर 1 या 2 स्टार वाली गाड़ी होती तो ईंटों के ढेर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन गाड़ी ऑल डैमेज में चली जाती। हमारे इस वीडियो के काउंटडाउन की दूसरी वीडियो है बस और ट्रक वाले के बीच में हुए रोड रेस की। दोस्तों रोड पर अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रक वाले और प्राइवेट बस वाले दूसरे छोटे व्हीकल वालों को तो गिनते भी नहीं है, लेकिन कभी कभार ये दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं और तब देखने लायक सीन होता है। अब यहाँ पर किसी बस में से रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में आपको सामने एक वोल्वो बस और उसके आगे एक ट्रक जाता हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर होता यह है कि जब वो वोल्वो बस वाला उस ट्रक को ओवरटेक करने के लिए जब सिग्नल देता है तभी उस बस के साइड वाली लेन में एक और ट्रक आ जाता है जिनसे वो बस वाला दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो दोनों ट्रक इस बस को ना ही तो आगे जाने दे रहे और ना ही तो साइड में। इसे देखकर मुझे तो एक गाना याद आ गया, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। दोस्तों यहाँ पर पता नहीं कि इन ट्रक वालों को इस बस वालों से क्या दुश्मनी थी, लेकिन कितनी देर तक दोनों ट्रक वालों ने उस बस वालों को रोड पर ऐसे ही ब्लॉक करके रखा। दोस्तों मेरी तो समझ के बाहर है कि इन दोनों ट्रक वालों ने ऐसा क्यों किया होगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर कहे। आजकल की जनरेशन को गाड़ियों से ऑफरोडिंग करने का नया बुखार चढ़ा है, फिर चाहे भले ही उसको ऑफरोडिंग के नाम पर घंटा भी कुछ ना आता हो। ऐसे लोग ऑफरोडिंग के चक्कर में अपनी गाड़ियों की बैंड बजा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बंदे ने ऑफरोडिंग के चक्कर में अपनी टाटा नेक्सन को ऐसे फंसाया कि अब गाड़ी ना ही तो आगे जा सकती है और ना ही तो पीछे। दोस्तों वैसे तो टाटा नेक्सन काफी कैपेबल और पावरफुल कार है, लेकिन अगर टायर्स को ट्रैक्शन ही ना मिले तो वो कर भी क्या सकती है। अब यहाँ पर गाड़ी का एक भी टायर ठीक से जमीन पर टच नहीं हो रहा है तो ट्रैक्शन मिलना तो दूर की बात है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गाड़ी इतनी बुरी तरह से फंसी है कि इसे निकालने के लिए 2-4 और बंदे बुलाने पड़ते हैं। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद फाइनली गाड़ी थोड़ी आगे जाकर के निकल जाती है। Run.
अब ये वाली वीडियो श्रीलंकन रोड वायलेशन की वीडियो है, जिसमें एक श्रीलंकन बस ड्राइवर दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी बस को रॉन्ग साइड से लेकर के जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर जुर्म को मिटाने के लिए एक मसीहा होता है, और यहाँ पर वो मसीहा था ये कार वाला, जिसने अपनी कार को उस बस के सामने खड़ी कर दी। और जब तक वो बस वाला अपनी बस को पीछे नहीं लेता, तब तक वो अपनी कार लेकर के वहीं सामने खड़ा रहता है। और थोड़ी देर बाद आखिरकार वो बस वाला अपनी बस को पीछे ले ही लेता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।